अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आपको बताऊंगी ब्लाउज के पीछे के बैक डिजाइन, यानी कि 36 इंच का हमारा ये ब्लाउज है तो हमने 10 इंच लिया है एक साइड, तो दोनों पल्लर हमारे 20 इंच के हैं। तो आप इसको 36 इंच या 38 इंच का भी ब्लाउज बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो शोल्डर लिए है वो 6 इंच के लिए है, आरूमल भी हमने 6 इंच लिया है, आरूमल भी हमने यहाँ पे 6 इंच लिए है। अगर आपसे कटिंग नहीं आती है सादा ब्लाउज की तो आप हमारे चैनल में देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको गले की चौड़ाई लेनी है 2.5 इंच, गले की लंबाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। हम यहाँ पे गले की लंबाई लेंगे वो 9 इंच की लेंगे। अब यहाँ पे हम निशान बना लेंगे और इसमें हम गोलाई का शेप इस तरीके से, देखिए इसके लिए हमने लेस ली है जो हमारी साड़ी साड़ी का कलर है, तो उसी कलर की हमने लेस ली है। और ये पट्टी, इसकी पहले हम एक पट्टी बनाएंगे। देखिए इसको हमें उल्टा करके पहले सिलाई लगानी है। देखिए हमने इसको सीधा कर लिया। देखिए इसकी जो लंबाई है वो 1.5 इंच की है। अब इसको हम इस तरीके से डबल करेंगे।
अब हम कपड़े को तिरछा करेंगे। तो ये हमारा तिरछा कपड़ा है, तो इससे हम गले पे पट्टी। यहाँ पे हम इस तरीके से इसको जोड़ लेंगे। अभी हमारा उल्टा है, उल्टे के ऊपर हमें पट्टी रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। अब इसको हम आगे के साइड दबाते हुए सिलाई लगाएंगे। अब देखिए हमने डोरी ली है रेडीमेड, अब इसके बीच में हम ये डोरी को डालेंगे। देखिए यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है, अब इसको हमें इस तरीके से थोड़ा सा खींचना है और यहाँ पे टाका लगा देंगे।
अब देखिए अब हमने यहाँ पर लेस लगाई है। अब यहाँ पे बीच में निशान लगा लेंगे। अब देखिए इसका जो बीच का है यहाँ पे हम ये फूल को लगा लेंगे। अब लेस को हम इस तरीके से डबल करेंगे।
ये बन गई हमारे ब्लाउज के पीछे की बैक डिजाइन। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज आप हमें नीचे कमेंट करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।